जमुई नगर अंतर्गत सनफ्लावर एकेडमी स्कूल के प्रांगण में प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रेन एंड वेलफेयर एसोसिएशन जमुई की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण झा ने किया, जिसमें प्रखंड सहित जिला के सभी प्राइवेट स्कूल के संचालक मौजूद थे। बैठक के बाद जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में जब हर कार्यक्रम को आयोजित किया जा सकता है तो स्कूल खोले जाने में सरकार को क्या आपत्ति आ रही है। पिछले 2 सालों से कोरोना की आड़ में पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुका है। 2020 के कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल को प्रवासियों के लिए कोविड सेंटर बनाया गया था, जिसमें प्राइवेट स्कूल ने भरपूर सहयोग दिया, लेकिन प्राइवेट स्कूल को खोले जाने की बात पर सरकार कोरोना का हवाला देते हुए स्कूल को बंद रखने का फरमान जारी कर दिया। जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि प्राइवेट स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जाता है, लेकिन बिहार सरकार ने 30 दिसंबर 2021 से 6 फरवरी 2022 तक स्कूल को बंद करवाने का आदेश पारित किया गया। 6 फरवरी तक स्कूल नहीं खोला गया तो 7 फरवरी से एसोसिएशन की ओर से भव्य आंदोलन किया जाएगा। झाझा से ब्रह्मदेव की रिपोर्ट। आज के बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कल से लेके आज तक पूरे बिहार में हर जिले में इस तरह का बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्फत शिक्षा मंत्री को और शिक्षा सचिव को हम लोगों ने मांग पत्र दिया है कि 6 तारीख तक अगर सरकार स्कूल खोलने का कोई आदेश पारित नहीं किया तो 7 के बाद से हम लोग बिहार के 3800 जिला से पटना पहुंचकर और पटना में प्रदर्शन और घेराव करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि जल्द से जल्द स्कूल खोलने का आदेश दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।